जोधपुर में आज बुढ़वा मंगल का पावन पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। कल देर रात से ही पनकी मंदिर में लाखों भक्त लाइन में खड़े होकर बाबा बजरंगबली के पंचमुखी स्वरूप के दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे थे। रात 1 बजे आरती व पूजा के साथ जब मंदिर के कपाट खुले, उसके बाद से भक्तों को बाबा के दर्शन मिलने लगे। सभी भक्तों को निर्बाध रूप से बाबा के दर्शन होते रहे। इसके लिए मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। कई थानों की फोर्स के साथ मंदिर के महंत कृष्णदास, सुरेश दास, जितेन दास, बालक दास मौजूद रहे। पनकी मंदिर को बाबा बजरंग बली के सच्चे दरबार के रूप में जाना जाता है। बाबा के पंचमुखी स्वरूप की ख्याति भारत के भिन्न प्रदेशों तक फैली है। इस बार यहाँ कई लाख श्रद्धालुओं के आने का अनुमान भी बताया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN। आज सभी भक्तों को बुढ़वा मंगल के पावन पर्व की बधाई एवं हनुमान जी महाराज की। आज जो है बुढ़वा मंगल की अभी सुबह दर्शन खुल गए हैं पनकी मंदिर में, मंगला आरती हो चुकी है। दिन भर रात 12 बजे तक आज दर्शन होंगे। सभी भक्तों से अनुरोध है कि आप आइए, संयम से एवं आराम से आइए, प्रशासन का सहयोग कीजिए, क्योंकि व्यवस्थाएँ हमारी आपकी हैं। अगर आप ही हम व्यवस्थाओं को बिगाड़ेंगे तो फिर प्रशासन या कोई भी नहीं बना सकता है। इसलिए पूरे कानपुर में समस्त हनुमान भक्तों का ये दायित्व बनता है कि जो व्यवस्थाएं यहाँ बनी हुई हैं इनको सुचारू रखना, क्योंकि व्यवस्थाएं रहेंगी तो व्यवस्थाएं किसी दूसरे के लिए नहीं, अपने ही लोगों के लिए हैं। अपने ही लोगों को सहूलियत मिलेगी तो दर्शन करें, हड़बड़ में ना करें, सहूलियत से कायदे से दर्शन करें। यही मेरा सबसे अनुरोध है कि आप लोग आइएगा, ज़रूर आइएगा, परंतु लाइन से आइए, VIP के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि आज VIP बिल्कुल बंद है। मान लीजिए कोविड काल के बाद समुचित तरीके से बुढ़वा मंगल मनाया जाएगा, प्रशासन की तरफ से क्या तैयारियां हैं, मंदिर प्रशासन की तरफ से क्या तैयारियां हैं और कितने श्रद्धालु आने का अनुमान है इस बार? देखिए, बैरिकेडिंग आप लोगों ने देखी है, दिखा रहे हैं आप जनता को, यहाँ से लगा के रेलवे लाइन तक बराबर लोहे की बैरिकेडिंग की गई है। उम्मीद है कि हर बुढ़वा मंगल से अब की जो है डबल भीड़ होगी, क्योंकि कोविड काल निकला है, दो लोग बुढ़वा मंगलों से लोगों ने दर्शन नहीं किए हैं, अब की तीसरे बुढ़वा मंगल पर दर्शन करने आ रहे हैं, इसलिए भीड़ विशेष होगी। करीबन 4 से 5 लाख आदमी दिन भरे में दर्शन करेगा।